नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं इनखबर.com। एक आंकड़ा है, कहा जाता है कि रोजाना 5,000 से ज्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी की वजह से पूरे विश्व भर में मर जाते हैं। और इसी सीरियस टॉपिक को लेकर एक फिल्म आ रही है, G5 ओरिजिनल फिल्म बनी है जिसका नाम है टाइगर कैन अ सेल्समैन बी अ हीरो। इस मूवी की सबसे खास बात है, इसकी जो मेन लीड है वो है इमरान हाशमी। इमरान हाशमी हालांकि हाल के वर्षों में बहुत ही कम फिल्में कर रहे हैं और खासकर कुछ सीरियस फिल्में कर रहे हैं। आपको याद होगा शंघाई उन्होंने की थी, बेहद ही सीरियस फिल्म थी। और आने वाली फिल्म है उनकी चीट इंडिया, वो भी एक आपको बहुत बड़े टॉपिक और बहुत ही सीरियस टॉपिक पर लिखा है। आपको बता दिए इस फिल्म की खासियत क्या है। इस फिल्म की खासियत है एक पाकिस्तान के एक आदमी की कहानी है, आयान नाम की, जिसका कैरेक्टर आपको इमरान हाशमी प्ले कर रहे हैं। वो आदमी आपको एक बहुत बड़ी कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट्स बनाती है लास्ट अवीटा नाम की, उनका वो सेल्समैन बनता है। और वो सेल्समैन जाता है, हर डॉक्टर से मिलता है, वो प्रोडक्ट कहा तो जाता है विश्व का सबसे बढ़िया बेबी प्रोडक्ट है, लेकिन उस बेबी प्रोडक्ट की एक खामी है, वो अगर किसी गंदे पानी के साथ मिला के पिलाया जाए जिस पानी इम्प्योर है, तो फिर बच्चों की जान चली जाती है। और यही हालात होता है पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बेसिक कहानी है, पाकिस्तान के हॉस्पिटल, पाकिस्तान के डॉक्टर्स को देखकर बनाई गई है। तो वहाँ की कहानी को बढ़ाया जाता है। फिर कैसे ये जो छोटा सा सेल्समैन है अयान, कैसे इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आपको फूड मेकिंग कंपनी है, चाइल्ड फूड मेकिंग कंपनी, उससे कैसे इतने बड़ा आपको चैलेंज लेता है, उस पर केस करता है, उसकी जो जो राज है जो वो कंपनी छुपाती है, जो कहा जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम है जिसको शब्द इस्तेमाल किया गया है, उस पर आपको राज से पर्दा उठाता है। उसकी कोशिश में उसकी जो जंग है, जो लड़ाई है, इसे कितने जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, तो जैसे इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें सबसे पहले उन्होंने बात कहते हैं कि रोजाना जो है पूरे विश्व भर में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, और कुछ लाख मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। और इस ट्रेलर का अंत करते हैं कि इस बात को मैं एक और तरीके से कहता हूं, अगर कुछ हज़ार बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी जर्नी को लेकर है, कैसे एक सेल्समैन जिसे नौकरी नहीं मिल रही थी, कैसे वो सेल्समैन बनता है एक बड़ी कंपनी, या कैसे उसमें वो प्रमोशन अच्छा काम कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चलता है ये राज कि कैसे वो कंपनी बच्चों का जान ले रही है, उसका प्रोडक्ट कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, कैसे उस कंपनी को वो चैलेंज करता है, और उसके बाद कैसे वो एक बड़ी फाइट लड़ता है, कैसे विदेशी मीडिया कवरेज में आती है। और कहीं ना कहीं इस मूवी में अगर आप स्टार्टिंग देखेंगे, जो वॉइस ओवर स्टार्ट हुआ है, तो कंपनी से आपको सवाल हो रहा है कि आपको पता था कि गंदे पानी के साथ ये आपका प्रोडक्ट जो है जानलेवा साबित हो सकता है। और कैसे एक आपको फॉरेन जर्नलिस्ट है वो बात करना चाह रहे हैं अयान से, वो कहानी है। वैसे आपको बता दें इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है, इससे जो डायरेक्ट किया है एक ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने, ऑस्कर विनिंग नो मैन्स लैंड नाम की मूवी आई थी 2001 में, जिसे बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड। तो उसके डायरेक्टर है डेनिस टेरोविनिक, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ऑस्कर विनिंग है, तो उनके डायरेक्शन की खास बात है। वैसे आपको बता दिए फिल्म 2014 में बनके तैयार थी, तो और ये फिल्म टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिखाई गई थी, काफ़ी सराहा गया था, लेकिन फिर बाद में ये फिल्म ठंडे बस्ते पर चली गई। और माना जा रहा था इसमें जो कंपनी है नेस्ले है उसका बहुत बड़ा हाथ है, वो नहीं चाह रही थी ये फिल्म रिलीज़ हो। लेकिन अब ये मूवी G5 के थ्रू आ रही है, डिजिटल मीडिया पे आ रही है, 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है। और जैसा कि ट्रेलर देखकर लग रहा है ये फिल्म काफ़ी शानदार होने वाली है, और इसमें इमरान हाशमी की एक्टिंग का हमें एक नया रूप देखने को मिलेगा। जब ये मूवी रिलीज़ होगी तो फिर हम आपके सामने आएंगे और देखकर बताएंगे कैसी है ये मूवी और आपको देखना चाहिए या नहीं। लगातार इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।